हेलो शूटर, मेरा नाम रमेश खाद्यान, राइफल इंटरनेशनल शूटर। तो आज हमारा शूटिंग स्पोर्ट्स में बात करने का टॉपिक है एक खिलाड़ी की, एक शूटर की साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, यानी मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि शूटिंग स्पोर्ट्स एक मनोविज्ञान का खेल है, मनोवैज्ञानिक खेल है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे खेल के अंदर या बड़े लेवल पे खिलाड़ियों का मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए, तो जो बिगनर शूटर हैं उनको मनोविज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे पुराने होते हैं तो उनका मनोविज्ञान, उनकी मानसिक दशा, उनके सोचने समझने की शक्ति उनके खेल के ऊपर हावी होती जाएगी। आप लोग देखते होंगे कि जब आप इस खेल को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में, शुरुआत के अंदर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे तो आपका ये खेल बिगड़ जाएगा। ये खेल उतना परफेक्ट नहीं चलेगा जैसा कि आपने ये शुरू किया था, क्योंकि उसके बाद जब आप प्रोफेशनल शूटिंग के अंदर शामिल होंगे तो उसके बाद आपका मनोविज्ञान, आपकी सोच समझ, आपके विचार इस खेल के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये मनोविज्ञान है क्या, पहले हम इसको समझ लेते हैं। छोटे से छोटे शब्दों में मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा। मनोविज्ञान से मतलब है आप अपने सामाजिक जीवन में, अपनी दिनचर्या के अंदर कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसे सोच विचार के साथ जी रहे हैं, ये आपका मनोविज्ञान है। आप अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके के लोग दिखाई देंगे। कुछ लोग बहुत गुस्सेल होते हैं, कुछ लोग बहुत ही हसमुख होते हैं, कुछ लोग बहुत ही चिंतित दिखाई देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल बेपरवाह होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा 15 से 20 साल की उम्र में होता है, वो बहुत बेपरवाह दिखाई देगा आपको। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 30 साल को हम क्रॉस करते हैं, या 25 से 30 साल की तरफ जब कोई बढ़ता है तो उसके ऊपर उसके विचार हावी होना शुरू हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारियां हावी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे इंसान का विचार बदली होता है, वैसे वैसे उसके काम भी बदली हो जाते हैं। और ठीक इसी तरीके से हमारे शूटिंग स्पोर्ट्स के अंदर 99% शूटर इस मनोविज्ञान से हार के अपनी शूटिंग खराब कर देते हैं। तो हमारा मनोविज्ञान होना कैसा चाहिए, इसके अंदर हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। हमारी मानसिक स्थिति पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव यानी सकारात्मक और नेगेटिव यानी नकारात्मक, इसमें अंतर क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक छोटा सा उदाहरण है। जैसा आपने पहले भी कभी सुना होगा कि एक गिलास के अंदर आधा पानी भरा होता है, तो एक इंसान देखता है कि ये गिलास आधा खाली है और एक इंसान देखता है कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। तो जो इंसान उसको आधा भरा हुआ देखता है वो पॉजिटिव है, और जो उसको आधा खाली महसूस करता है वो नेगेटिव है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर है। ठीक इसी तरह अब हम आप आ जाते हैं अपनी शूटिंग के अंदर। अभी जो बच्चे 100 में से 97 या 98 का कार्ड हिट करते हैं, या किसी भी स्कोर में हिट करते हैं, 98, 95, 94, तो आप लोग देखना, आपके खुद के बच्चे होंगे या आप खुद होंगे, तो आप लोग इस मनोविज्ञान को समझना। जैसे ही वो बच्चा 10 शॉट हिट करता है, अगर उसने 99 का भी कार्ड हिट किया है और एक ही 9 उसका हिट हुआ है, पूरे 10 शॉट में एक 9 हिट हुआ है, तो वो आपको बताएगा मेरा एक 9 चला गया क्योंकि वहाँ पे मेरे से ये गलती हो गई। तो ये क्या सोच है, ये वही सोच है जो गिलास को आधा खाली देख रही है। वो उन 9 शॉट के ऊपर नज़र ही नहीं लेके जा रहा है जिसके कारण उसके 99 का कार्ड आ गया। वो आधा भरा हुआ गिलास देख ही नहीं रहा है, वो आधा खाली गिलास देख रहा है। अपने नेगेटिव पॉइंट को बार बार रिपीट करके, अपने दिमाग के अंदर बार बार रिपीट करके, तो आप अपने चारों तरफ, अपने शूटर
साथियों को देखेंगे या खुद भी, या आपके बच्चे जब भी शूटिंग करके वापस आते हैं या आप उनसे शूटिंग के बारे में बातचीत करते हैं तो वो आपको बार बार एक बात बताएंगे, मेरे 5-9 लगे, मेरे 2-8 लग गए, मेरा 1-7 लग गया। वो कभी भी इस बात को रिपीट नहीं करते हैं कि मैंने आज 50-10 हिट किए, मैंने 40-10 हिट किए या मैंने 25-10 हिट किए। वो पॉजिटिव कभी सोचते ही नहीं है। इस मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें गहराई से सोचना पड़ता है, हमें गहराई से समझना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। आज से जो आप शूटिंग करते हैं उसके अंदर अपने पॉजिटिव साइड को देखें, नेगेटिव साइड को छोड़ दें। और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसको सीखने की आप कोशिश कीजिए, अच्छे कोचों से संपर्क कीजिए, अपने कोच के डायरेक्शन में अच्छे प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपका शूटिंग से संबंधित कोई सवाल होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय शूटर आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजें, उसी के ऊपर हम आपको पूरी तरह से आपका मदद कर पाएंगे। धन्यवाद।